एक्सप्रेस न्यूज आप सभी जागरूक नागरिकों से अपील करता है कि जिले में डेंगू के मरीजों के लगातार केस बढ़ रहे हैं, जिसके कारण मरीजों को रक्त की आवश्यकता पड़ रही है और ब्लड बैंकों में रक्त की कमी हो गई है। अतः आप सभी अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए रक्तदान अवश्य करें, ताकि गंभीर मरीजों को रक्त उपलब्ध हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची पारसर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। ग्राम में डेंगू बीमारी अपने पैर पसारती जा रही है, आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखकर गौर झामर पंचायत प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे कराकर नगर के मोहल्ला एवं बीमारी से ग्रसित मरीजों के घर और आसपास लार्वा नष्ट करने की दवा का छिड़काव कर रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग देवरी बीएमओ अर्चना सरण के आदेश अनुसार देवरी ब्लॉक मलेरिया इंस्पेक्टर दामोदर लड़िया एवं उनकी टीम गौर झामर ग्राम पंचायत सचिव आंगनबाड़ी सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता इस कार्य में अपनी सहभागिता निरंतर दे रहे हैं। इस संबंध पर हमारे संवाददाता द्वारा मलेरिया इंस्पेक्टर से इस बीमारी के बचाव एवं रोकथाम की कुछ जानकारी ली गई, जिसमें उन्होंने बताया कि आपके घर में जो कूलर एवं पानी भरने के बर्तन एवं पानी खुले में रखने वाले बर्तनों को लगातार ना भरें, इनकी निरंतर दो दिन के अंदर सफाई करते रहें और बर्तनों को ढककर रखें, और जो कूलर में आप जाली का इस्तेमाल करते हैं उसे निकाल कर जला दें, ताकि उनमें जो लार्वा एवं मच्छर के अंडाणु बन रहे हों वह नष्ट हो जाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज के लिए गौर झामर से अखिलेश जैन की रिपोर्ट। जो कूलर की जो टाट होती हैं, उनमें ये जो अंडा रहते हैं ये 6 साल तक जिंदा रहते हैं। अगर इनकी अपनी टाट फट्टियों को जला दोगे तो ये इनके अंडे नष्ट हो जाएंगे और अगले वर्ष डेंगू के मच्छर पैदा नहीं होंगे और अगले साल मच्छरों की उत्पत्ति कम होगी, नष्ट हो जाएंगे, जिसका चक्र ही खत्म हो जाता है। इसलिए आम जनता से निवेदन है कि हम हफ्ता में निस्तारू बर्तनों को 2 बार साफ करें या टंकियों को बिल्कुल एक सुनिश्चित मात्रा में उसको ढक के ढक्कन से कस के रखें, जनता के लिए इससे राहत हो जाएगी। और ये पानी भरते हैं पीने वगैरह के, इसके लिए सुझाव? इसके लिए क्या है कि जो पानी अपन जो भरते हैं हफ्ता में 2 बार, अगर इसके लिए साफ कर दिया जाए तो होता क्या है कि इसका जो लार्वा चक्र होता है वो 7 दिन का होता है, अगर अपन 7 दिन के पहले ही इसको खाली कर दें तो ये नष्ट हो जाएंगे। साफ पानी क्या होता है कि जो डेंगू के लार्वा है वो साफ पानी में पनपते हैं, बगैर ढके हुए पानी में पनपते हैं।